आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। चैप्टर 15 यानी कि हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण या पर्यावरण क्या है, लगभग आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। आप पढ़ते हैं, बाहर सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं कि पर्यावरण क्या है और इसको स्वच्छ कैसे बनाना चाहिए। तो पर्यावरण क्या है, हमारे आजू बाजू का जितना वातावरण है जिसमें जो निवास करते हैं, सजीव निर्जीव हैं, सभी क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। सबसे पहले पर्यावरण में हम पढ़ेंगे परितंत्र। परितंत्र क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के जो जीव होते हैं और उनके चारों ओर का जो वातावरण होता है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, परितंत्र बनाते हैं। और ये परितंत्र में जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं। यहाँ उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सभी पाए जाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक ऐसे होते हैं जो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाकर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता, जो सजीव इन हरी वनस्पतियों पे अपना जीवन यापन या उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, वह सूक्ष्म जीव जो क्या होते हैं, मृत जीव के अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। उसके बाद है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है, निवसन तंत्र के सजीव स्वयं के भोजन की आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और श्रृंखला बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। यानी कि प्रत्येक सजीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाती है।